हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ मैथ के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व कर लेते तो समझ लीजिए आपके दोस्तों 10 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 4 से 5 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए इन्हें सॉल्व भी करते हैं और हमारा टारगेट है 95+ का, तो इस टारगेट को हमें क्रॉस करने के लिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपका, क्वेश्चन में कहा गया है दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर क्या 45 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब दोस्तों क्या सन है, इतनी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को आपको करना कैसे, सॉल्व किस प्रकार से करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हल करने का तरीका। इसको हल करने के लिए देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल, आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से सेम करना, ठीक है। हल, अब यहाँ पर देखिए कहा गया है दो धन पूर्णांकों। अब दोस्तों धन पूर्णांक क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों धन पूर्णांक मतलब संख्या हो गई, जैसे कि धनात्मक संख्या जो भी होगी वो धन पूर्णांक, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो धन पूर्णांक मानेंगे, तो हम लेंगे माना, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखना है माना, माना यक्स और वाई, क्या दोस्तों दो धन पूर्णांक यक्स और वाई, दो क्रमशः कर दीजिएगा चाहे, दो धन पूर्णांक है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर दीजिए, दो धन पूर्णांक हैं। आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, आपको मतलब समीकरण बनाने से पहले समझना पड़ेगा कि उसमें कहा क्या गया, ठीक है। तो देखिए कहा गया कि दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पहला धन पूर्णांक हो गया एक्स, ठीक है, और दूसरा धन पूर्णांक हो गया वाई। तो इसमें कहा गया कि दोनों का वर्गों का अंतर, मतलब जैसे कि हम इसका एक्स का स्क्वायर यानी एक्स का वर्ग कर दे और वाई का भी वर्ग कर दे तो अंतर, मतलब अंतर में दोस्तों क्या होता है माइनस होता है, तो इसलिए अंतर कर देंगे और y का स्क्वायर, और किसके बराबर है आपका, इसके 45 के बराबर है। ये आपका फर्स्ट समीकरण प्रश्न अनुसार आपका बन गया, मतलब जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। तो इस प्रकार से तो ये तो हमारा हो गया पहला, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे कर देंगे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि छोटी संख्या का वर्ग, तो मतलब हमने माना था कि माना हमारे पहली जो धन पूर्णांक हो x और दूसरा धन पूर्णांक क्या है वाई है, तो हम दोस्तों इसमें वाई को क्या कर देंगे छोटा धन पूर्णांक यहां पर दर्शा देंगे, क्योंकि हम पहले एक्स ले रहे हैं तो मान लीजिए हमारा एक्स क्या है बड़ा है। तो यहां पर कहा कि छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई का वर्ग, प्रश्न के अनुसार ये आपको करते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी बराबर है किसके 4 गुने के, और छोटी संख्या के 4 गुना यानी एक्स का 4 गुना, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड। अब देखिए आपको वाई स्क्वायर बराबर मिल गया 4x, तो आपको वाई स्क्वायर की जगह पर रख देना है 4x, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4x के बराबर है, तो 4x को आप यहां पर इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर और ये माइनस है और यहां पर वाई स्क्वायर बराबर है आपका 4x, तो हम यहां पर रख देंगे 4x और इक्वल टू क्या है 45 यानी 45 के बराबर है। इस प्रकार से हम अब इसे समीकरण बनाएंगे। तो देखिए समीकरण कैसे बनेगा, आपको यहां पर बनाना है x स्क्वायर माइनस 4x और ये दोस्तों यहां पर 45 है, तो यहां पर हम 45 को इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो ये आपका 45 आ गया। तो इस प्रकार से बराबर में 0 बचेगा और यहां पर आप लिख देंगे साइड में क्या पक्षांतर करने पर, तो हमारा पक्षांतर से ही आया है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे पक्षांतर, ठीक है। अब ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, तो आपको इसका गुणनखंड निकालना है, फैक्टर करना, ठीक है। तो देखिए फैक्टर कैसे निकाला जाता है गुणनखंड, अब यहां पर आपका समीकरण है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको सेट करना है गुणनखंड में कि दोस्तों आपका गुणा करने में जो है संख्याओं का गुणा करने में 45 आ जाए माइनस का और जो उन्हें घटाने या जोड़ने पर माइनस का 4x आए, ठीक है। इस प्रकार का आपको गुणनखंड भी वहां पर ढूंढना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा तरीके लगाना, मतलब दिमाग लगाना है कि देखिए हमारा किस प्रकार से आएगा। अब यहां पर अगर हम करें x स्क्वायर और माइनस, देखिए हमारा लाना है माइनस का
4x। तो यानी जो बड़ी संख्या होगी, जैसे घटाने पर हम ला रहे हैं, तो बड़ी संख्या जो होगी वो माइनस की होगी। तो जैसे यहां पर हम कर दें कि माइनस का 9x और प्लस का दोस्तों कर दें 5x। तो समझिएगा, देखिए माइनस का 9 है प्लस का 5 है, तो 9 × 45 यहां पर हमारा माइनस का 45 फिट हो रहा है, मतलब एक ही हमारा सेट हो गया। अब इसे देखते हैं, तो देखिये माइनस का 9 है और प्लस का 5 है, तो मतलब घटाने पर हमारा आएगा माइनस प्लस का माइनस, मतलब कि माइनस का 9x प्लस का 5x है, तो हमारा माइनस का 4x ही तो आएगा। तो इस प्रकार से दोनों का जो गुणनखंड है वो फिट हो गया। अब यहां पर है आपका माइनस का 45, ये इस प्रकार से आपका सेट हो गया। अब इसको हमें कराना है, देखिए यहां पर यक्ष हम इससे कॉमन लेंगे, ठीक है, मतलब कि उभयनिष्ठ हो गया। यक्ष जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो इसमें एक यक्ष बचेगा क्योंकि यक्ष स्क्वायर है, तो एक यक्ष हमारा बच गया। और यहां पर माइनस का देखिए कॉमन हम यक्ष ले लिए, तो यहां पर हमारी ओनली 9 ही बचेगा। देखिए यक्ष आपका क्या हो गया, इससे यक्ष बाहर हो गया, यानी कि हम दोनों से क्या है कॉमन एक यक्ष बाहर ले लिए हैं। अब यहां पर देखिए हम यहां पर कॉमन लेंगे प्लस का 5, तो यहां पर प्लस का 5 हम अगर कॉमन लेंगे तो हमारा यक्ष क्या है अंदर बच जाएगा। अब देखिए यहां पर जब हम यक्ष बचा लेंगे तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां से अगर इसका 45 का देखा जाए तो 45 का देखिए क्या होता है 9 × 5, मतलब 9 × 5 लिखा है, तो 1 × 5 तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा क्या 9, तो यहां पर हमारा बच जाएगा माइनस का 9। इस प्रकार से आपका ये बचेगा। अब देखिए यहां पर एक आपका आ जाएगा x माइनस 9 और एक आपका बच जाएगा x प्लस 5। इस प्रकार से आपके ये दो बचे। अगर आपको यक्ष की देखिए वैल्यू इसमें निकालने, मतलब दो धन पूर्णांक तो आपको निकालने ही है, तो यहां पर आप लेंगे यक्ष माइनस 9 = 0, तो अर्थात आपकी यक्ष की वैल्यू कितनी आएगी, यक्ष की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। और यहां पर अगर आप इसे ले रहे हैं तो यक्ष प्लस 5 = 0 की, तो यानी कि यक्ष की वैल्यू क्या होगी पक्षांतर करने पर आपकी माइनस का 5 आएगी। तो माइनस का 5 दोस्तों आप संभव न मतलब संभव नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं कि प्लस की वैल्यू आपकी आएगी, तो अर्थात यक्ष की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यक्ष की वैल्यू आपकी आ गई 9। अगर आप y की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो आप इस समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां पर y की वैल्यू निकालने के लिए आपका y स्क्वायर बराबर कितना है 4x के बराबर है, ठीक है, ये आपका समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4x के बराबर है। तो इस प्रकार से आपको y की वैल्यू निकालना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू और 4, यहां पर देखिए ये 4 आपका दीजिए 4 × और x की वैल्यू 9 है, तो 9 × 4 = 36, यानी y स्क्वायर बराबर आपका क्या आया 36 आ गया। इस प्रकार से y स्क्वायर की वैल्यू आपकी 36 आई। अब इसे दोस्तों y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं किस प्रकार से, तो देखिए y स्क्वायर बराबर आपका 36 है और इसका आप y का मान 6 हो जाएगा। इस प्रकार से y की वैल्यू इस प्रकार से आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं, या तो आप इस समीकरण में भी रखकर y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट समीकरण में अगर आप रखते हैं तो इससे भी आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। यहां पर 9 है तो 9 स्क्वायर यानी कि 9 × 81 हो जाएगा, और 81 है तो यहां पर दोस्तों देखिए y स्क्वायर आपको चाहिए 81, इसके यहां पीछे जाएगा, यानी कि आप इधर भी इसे ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक तरफ y ले लेना है और आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से, आप अगर इतना भी कर देंगे तो आपको पूरे पूरे अंक दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक ना। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका किस प्रकार से है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है कि एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है, वह धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए एक धन पूर्णांक हमें लेना है कि माना वह धन पूर्णांक क्या है आपका, माना वह धन पूर्णांक, वह धन पूर्णांक आपका क्या है यक्ष है, ठीक है, आप मान लीजिए यक्ष है। तो आपको देखिए कहा गया कि एक धन पूर्णांक का वर्ग, मतलब कि धन पूर्णांक का हमें वर्ग लेना है, और उसका जो है 9 × 9 = 22 अधिक है, अर्थात यक्ष स्क्वायर जो है आपका। समीकरण को थोड़ा समझिएगा, आपको प्रश्न के अनुसार ही बनाना है। कह रहा है कि उस संख्या का वर्ग 9 × से, यानी कि 9 × आप कर दें यक्ष का 9 × और 22 क्या है अधिक है, तो +22 उसी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यक्ष स्क्वायर बराबर 9x + 22 यानी 22। कहा गया कि धन पूर्णांक का वर्ग यानी यक्ष स्क्वायर उस संख्या के यानी इसी संख्या के 9 × के, तो यानी कि 9x और कितना 22 अधिक है, इसके बराबर है। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब इसे आप पक्षांतर करिए, तो देखिए यहां पर लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर जैसे करेंगे इसमें तो देखिए बनेगा आपका यक्ष स्क्वायर और ये इधर आएगा यानी पक्षांतर, तो इधर आपका हो जाएगा 9x
माइनस का देखिए ये आपका 22 इधर प्लस का है तो ये भी इधर आएगा तो माइनस का 22 यानी माइनस का 22 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको समीकरण को आपको फैक्टर फिर से करना है, गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करना है कि आपका जो गुणा करने में है वो 22 आ जाए माइनस का, और मतलब जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस का 9 आए। तो देखिए यहां पर करेंगे हम यक्ष स्क्वायर माइनस, अब देखिए 11 यक्ष कर देंगे और इधर कर देंगे प्लस का 2x। तो देखिए 11 दूना 22 होता है, और यहाँ मतलब समझ सकते हैं कि 11 है माइनस का और प्लस का 2 है, तो यहाँ पर आपका 11 से 2 जाएगा तो माइनस का 9 ही बचेगा। तो इस प्रकार से इसका जो है गुणनखंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x हम कॉमन लेंगे जैसे इसमें, तो x आपका बचेगा और माइनस का 11 है 11 बच गया, और यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लेंगे और x, और यहाँ पर देखिए 11 दूना 22 होता तो 2 हमने ले लिया, तो यहाँ पर आपका 11 बच जाएगा। तो इस प्रकार से x माइनस 11 आपका बचा, और यहाँ पर दोस्तों आपका बचा ये दोस्तों 11 है, ठीक है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। तो आपके पास दो वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं x माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी x का आपका मान 11 आ गया इसमें। और अगर आप ये ले रहे थे x प्लस 2 तो x बराबर 0 के है और x की वैल्यू आपकी माइनस 2 आएगी। तो आप माइनस वाली पहले संभव ना करिए, मतलब कि आपको पहले प्लस वाली वैल्यू लेना है। तो देखिए अगर आप समीकरण को चेक करना चाहते हैं कि मतलब हमारा समीकरण सही है या गलत है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको मतलब कि विश्वास हो जाए कि हमारा सवाल एकदम मतलब सॉल्व जो किए हैं वो एकदम करेक्ट है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 11 आई है, तो आप इस समीकरण में पहले रखिए, अगर दोस्तों ये संतुष्ट कर रहा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी लेफ्ट हैंड के बराबर राइट हैंड है अगर, तो समीकरण आपका एकदम करेक्ट है। देखिए कैसे चेक करेंगे, तो देखिए चेक करने का तरीका है, अगर आपका समीकरण यहां पर देखिए दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 9x और प्लस का 22 है, ठीक है, इसमें आप x की वैल्यू रखिए, अगर आपकी दोनों टाइप की वैल्यू बराबर हो रही है तो ये सही है। देखिए कैसे रखेंगे, तो आपको इधर है 11, तो x की वैल्यू 11 है, तो x स्क्वायर अर्थात 11 का स्क्वायर कर दीजिए, और इधर है आपका 9 गुणे x यानी 11 और प्लस का 22, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करिए इधर, और देखिए 11 ग्रीम 121 होता तो मतलब इधर का तो आपको 121 हो रहा है, और इधर क्या है 9 का गुणा 11 में करवाई तो 9 और 9 99 और प्लस का 22 यानी कि 121 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 9 2 11 और 1 9 2 11 मतलब 1 12, तो इधर भी आपका 121 आ रहा है, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड के बराबर राइट हैंड है, अर्थात ये क्वेश्चन जो है आपका एकदम दोस्तों क्या है करेक्ट है। तो ये आपका करेक्ट हो गया, तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा।